तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेरा मोबाइल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी इमेज को PNG इमेज में कैसे बनाएं, मतलब कि उसके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल से हटा दें। कैसे हटाए दोस्तों? तो बेसिकली जो हमें इसकी ज़रूरत होती है वो यूट्यूब थंबनेल में होती है। वहाँ पर हम कोई भी इमेज जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड वहाँ पर शो होता है और जिससे अच्छे से हमारा थंबनेल बन नहीं पाता है। तो इसको हटाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का उपयोग करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब, या आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पर और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर जाना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसका मुझे बैकग्राउंड हटाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है इरेज कलर, यहाँ पर, ठीक है। इरेज कलर वाली इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड बिल्कुल से हट गया है। आप इसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, ठीक है, और इसको राइट कर देना। राइट करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा PNG इमेज तो तैयार हो गया, लेकिन इसको अभी और भी काम बाकी है, इसका और बैकग्राउंड हटाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर, और फिर इसका ट्रांसपेरेंट क्या है इस पर क्लिक करना है, सॉरी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा इमेज दिखेगा, और इसको आपको क्या कर लेना है, सिंपली से सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है अब सिंपली से। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, सेव अस प्रोजेक्ट, सेव अस इमेज। तो सेव अस इमेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, JPG और PNG। तो PNG आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसकी क्वालिटी आप डिफ़ॉल्ट जगह अल्ट्रा कर ले, क्योंकि दोस्तों अच्छे से दिखेगा इससे, और सेव टू गैलरी पर क्लिक करें। दोस्तों, अब हमारा इमेज PNG इमेज बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सेविंग हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहले ये इमेज किस प्रकार का था और अब किस प्रकार का हो गया है। दोस्तों, ध्यान, उस इमेज में जो बैकग्राउंड कलर था वो वाइट था, और यदि आपके पास कोई इमेज है उसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है, तो इसको हम कैसे इरेज करें? तो इसके लिए आपको फिर से उस पर जाना है, उस वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इरेज कलर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको इनेबल करेंगे तो कलर नहीं हटेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इस वन वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये वन लिखा रहा है यहाँ पर, और वो कलर सिलेक्ट कर देना है जो उस इमेज में है, रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये वाला कौन सा कलर है, ओके कर देना है, और ये अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपको, ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका भी बैकग्राउंड हट चुका है, और इसको फिर से आप यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लिक करके ये ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके सेव अस इमेज पे क्लिक करके PNG सिलेक्ट करके और इसकी क्वालिटी अल्ट्रा करके और सेव टू गैलरी कर देना है, और ये इमेज आपका सेव होने वाला है, सेव हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों इमेज में क्या फ़र्क है, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबा दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो।